ना, हाँ कोई ना, इधर आओ। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाँ, अच्छी है। देखो बाबा, अच्छी है ना? हाँ अच्छी है बेटा। मैं इसे पहन लूँ? हाँ पहन लो। मैं बाजार गई थी तो सोचा कोइना के लिए फ्रॉक ले आऊँ। शारदा घर पे नहीं है? नहीं वो फैक्ट्री गई है। बहुत मेहनत कर रही है वो आजकल, तभी फैक्ट्री इतनी अच्छी चल रही है। वैसे आपका सहयोग भी कुछ कम नहीं है। अगर आप कोइना का ध्यान न रखें तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? कब तक लौटेंगी वो? कुछ कह नहीं सकता। तब तो आज बात नहीं हो पाएगी। कैसी बात? वो पता नहीं मुझे आपसे सीधी ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। असल में मैं दुकान दोबारा खोलना चाहती हूँ। उसका नाम भी बदलकर श्याम टेक्सटाइल्स रखने का सोचा है। श्याम से बात हो गई है, वो भी यही चाहता है, लेकिन कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अब श्याम को तो आप जानते ही हैं, वो तो ये सब कहेगा नहीं आपसे, तो मैंने सोचा मैं ही बात कर लूं। कुछ पैसों का इंतजाम हो सकेगा क्या? रत्ना जी, दरअसल हाल ही में हमें एक फैक्ट्री संभालने का काम सौंपा गया है और हमें वो फैक्ट्री किसी भी हालत में कामयाब बनाना है। इसीलिए हमने बहुत सारे कारीगरों को रख लिया है ताकि काम जल्दी हो सके और बहुत ज़्यादा हो सके और सही समय पर हो सके। अब कारीगरों की तनख्वाह और फैक्ट्री का किराया मिलाकर कई महीने तक हमारे हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। और तो और हमारे कुछ कर्जे हैं जो हमें बहुत जल्दी चुकाने हैं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर शाम दुकान खोलना चाहता है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं नहीं इसमें चिंता की क्या बात है, अगर शाम की खुशी इसी में है तो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं जानती थी आप अपने दोस्त की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वैसे कब तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा? बहुत जल्दी।